रेणु, आपकी हिंदी अध्यापिका एमएलपी स्कूल राजपुरा से। बेटा हमारा आज का सुविचार है, उठो और जब तक मत रुको, उठो और जब तक मत रुको, जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते कि हमें उठना है, यानी हमें अपने जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए हमें तैयार रहना है और तब तक नहीं रुकना जब तक कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। आगे सुलेख लिखते हैं। आज का सुलेख हमारा, सुलेख का टॉपिक है हमारा परिश्रम की महिमा। तो पहले हेडिंग डालेंगे परिश्रम की महिमा। प ज में ई की मात्रा, श में ज, परिश्रम की महिमा। मैं है ई में अ, परिश्रम की महिमा। परिश्रम जीवन में सफलता की कुंजी है। परिश्रम पैर ही से में परिश्रम जीवन में, जीवन जीवन में, मैं ए में सफलता की, से फैलता सफलता, के ई की कुंजी, के जई कुंजी है। हमें कभी भी परिश्रम परिश्रम में परिश्रम करने कह रहने करने से घबराना से घबराना घबराना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। परिश्रम से जी चुराने वाले परिश्रम परिश्रम से जी चुराने वाले, जी चुराने च ऊ रे आने चुराने वाले, वे आ ले ए वाले व्यक्ति व्यक्ति आलसी आलसी बन जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। परिश्रम में शारीरिक व्यायाम भी होता है, परिश्रम में शारीरिक व्यायाम भी होता है, भी हो जाता है। अतः यह स्वास्थ्य की दृष्टि से दृष्टि से भी उपयोगी है, उपयोगी है। विद्यार्थी को तो परिश्रमी होना ही चाहिए। वह ई द ये आ रहती विद्यार्थी को तो कह ओ को तो कह ओ तो परिश्रमी पैरई श मई परिश्रमी होना है, होना है ही चाहिए, चाहिए। परिश्रम सभी समस्याओं का हल है, परिश्रम सभी समस्याओं से मैं ये समस्याओं क
समस्या का हल है परिश्रम करने वाला व्यक्ति परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा संतुष्ट रहता है, तो आपको भी एक पेज लेख लिखना है। थैंक यू मैडम। हम प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं परीक्षाओं में जिनमें नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आदि की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनसे, जो उनसे संबंधित जो व्याकरण आती है उनकी हम तैयारी कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं मुहावरे, आप सभी उनकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे नोटबुक में। तो हम कर रहे हैं मुहावरे, आज उन्हीं को आगे करते हैं। अगला मुहावरा है हमारा 16वां, उंगली उठाना। उंगली उठाना का अर्थ है दोषारोपण करना, उंगली उठाना दोषारोपण करना। वाक्य प्रयोग, पर्याप्त सबूत के अभाव में किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। पर्याप्त सबूत के अभाव में किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा अर्थ है आवश्यकता से बहुत कम। ऊंट के मुंह में जीरा यानी आवश्यकता से बहुत कम। इस पहलवान को दो समोसे देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इस पहलवान को दो समोसे देना ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना। परीक्षा निकट है अतः तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए। वाक्य में प्रयोग है परीक्षा निकट है अतः तुम्हें कमर कस लेनी चाहिए। कलई खुलना यानी रहस्य प्रकट हो जाना। कलई खुलना मतलब रहस्य प्रकट हो जाना। मैं भरी सभा में तुम्हारी मक्कारी की कलई खोलकर रख दूंगा। वाक्य प्रयोग, मैं भरी सभा में तुम्हारी मक्कारी की कलई खोलकर रख दूंगा। कमर टूटना, हिम्मत जवाब दे जाना। कमर टूटना, हिम्मत जवाब दे जाना। पुत्र की आकस्मिक मृत्यु से पिता की कमर टूट गई है। पुत्र की अचानक मृत्यु से पिता की कमर टूट गई है। कंधे से कंधा मिलाना सहयोग करना। आजकल पुरुष और स्त्री कंधे से कंधा मिलाकर धन कमाने में जुटे हैं। कान पर जू न रेंगना, कोई असर न होना। मैंने तुम्हें इतना समझाया पर तुम्हारे कान पर जू तक न रेंगी। वाक्य में प्रयोग कि मैंने तुम्हें इतना समझाया पर तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रहेंगी यानी कोई तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। खरी खोटी सुनाना, बुरा भला कहना यानी अर्थ है भला बुरा कहना। घर की लड़ाई में सास ने बहू को खूब खरी खोटी सुनाई यानी उनको खूब खरा खोटा बुरा भला कहा। खून पसीना एक करना अर्थ है कठोर परिश्रम करना। परीक्षा में ए डिग्री लाने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। गुदड़ी का लाल होना, गरीबी में पला महान व्यक्ति। गुदड़ी का लाल होना का मतलब है कि जो गरीब है लेकिन फिर भी वो महान व्यक्ति है। कि लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे तभी भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री थे जो गुदड़ी के लाल थे यानी गरीब थे लेकिन वो इसीलिए वो महान भारत के प्रधानमंत्री बने। गुड़गोबर करना यानी काम बिगाड़ देना। अचानक आई वर्षा ने पूरे समाह का गुड़गोबर कर दिया। घी के दिए जलाना यानी खुशियां मनाना। लॉटरी निकल आने पर रमेश के घर में घी के दिए जलाए जा रहे हैं। घाट घाट का पानी पीना बहुत अनुभवी होना। लाला घनश्याम दास से मत टकराना क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है। लाला घनश्याम दास से मत टकराना क्योंकि उन्होंने घाट घाट का पानी पी रखा है।
घोड़े बेचकर सोना निश्चित हो जाना, घोड़े बेचकर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। लड़की की शादी करके मोहनलाल का परिवार घोड़े बेचकर सो रहा है, लड़की की शादी करके मोहनलाल का परिवार घोड़े बेचकर सो रहा है। घाव पर नमक छिड़कना दुखी को और दुखी करना, घाव पर नमक छिड़कना दुखी को और दुखी करना कि पुरानी बातों को याद दिलाकर तुम विधवा के घाव पर नमक छिड़क रही हो, पुरानी बातों को याद करके तुम विधवा के घाव पर नमक छिड़क रही हो। तो आपको ये नोटबुक में लिखने हैं बेटा और अच्छे से लर्न भी करने हैं। थैंक यू। स्टूडेंट, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट ओलंपिक गेम्स। दिस गेम आर द लार्जेस्ट गेम ऑफ वर्ल्ड। ओके, नाउ आई टेल यू सम फ्यू लाइंस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स। द ओलंपिक गेम्स बिगेन ओलंपिया इन 776 BC। कहाँ स्टार्ट हुए थे? ओलंपिया एक प्लेस है ग्रीक में, मीन्स यूनान में, जो 776 BC में वहाँ स्टार्ट हुए थे। दे टुक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम अंटिल 393 BC, देन दे स्टॉप्ड। ये 393 BC से कंटिन्यू चल रहे थे, बट इन बिटवीन दे स्टॉप, मीन्स उनको रोका गया था विद सम रीजन। दीज आर द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड। ओके, ये ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन है वर्ल्ड में, मीन्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे ये स्पोर्ट्स होते हैं। एट द फर्स्ट दे लास्टेड ओनली वन डे एंड दे वर ओनली वन रेस। ओके, स्टार्टिंग में इसमें वन डे के लिए होते थे और सिर्फ एक ही रेस होती थी। ओके, नाउ आई टेल यू डिजाइन ऑफ फ्लैग इन ओलंपिक्स। द डिजाइन ऑफ फ्लैग हैज बीन रिसीव्ड बाय द फ्रेंच एजुकेटर पायरे एंड बर्न डी कुबर्टीन। ओके, ये किनके द्वारा रिसीव किए गए थे, मीन्स किनके द्वारा बनाए गए थे? फ्रेंच के दो एजुकेटर थे, पायरी एंड बर्न डी कुबर्टीन। इन ओलंपिक्स फ्लैग फाइव रिंग्स रिप्रेजेंट द फाइव कॉन्टिनेंट्स। ओके, और कलर्स आर ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ओके एंड व्हाइट। नाउ द कॉन्टिनेंट्स नेम आर अफ्रीका, यूरोप, एशिया, अमेरिका एंड ओशियंस, मीन्स इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। अंडरस्टैंड? नाउ आई टेल यू सम ओलंपिक सिंबल्स, विनर्स एंड मेडल्स। जो विनर्स होते हैं उनको जो मेडल मिलते हैं उनके, दीज आर द कलर्स शोइंग इन द पिक्चर। मेडल्स आर अवार्डेड इन ईच इवेंट्स विद गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट प्लेस, सिल्वर फॉर सेकंड एंड ब्रॉन्ज फॉर थर्ड। ए ट्रेडिशनल दैट स्टार्टेड इन 1904 में ये विनर को जो मेडल देने का प्रोसीजर है वो स्टार्ट किया गया था। ओलंपिक फ्लेम, मंथ्स बिफोर ईच गेम्स द ओलंपिक फ्लेम्स इज लिट इन ओलंपिया इन सेरेमनी दैट रिफ्लेक्ट एशियंट ग्रीक्स। स्टूडेंट्स, दीज आर प्लेइंग आफ्टर एवरी 4 years। ओके, इन प्रीवियस पेज आई टेल यू बर्न डी कुबर्टीन। हु वाज बर्न डी कुबर्टीन? इन 1984 ए फ्रेंचमैन बर्न डी कुबर्टीन स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, मीन्स दिस इज द डेवलपर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। सो स्टूडेंट, दैट क्वेश्चन आस्क बीन यू इन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि हु वाज द डेवलपर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो आंसर इज बर्न डी कुबर्टीन। ओके, दैट इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक फ्लेम, दैट इज ओलंपिक फ्लेम व्हेन ओलंपिक गेम वर स्टार्ट, देन दिस फ्लेम इज ऑन एंड व्हेन इन लास्ट लाइन द ओलंपिक फ्लेम इज पुट आउट। और पुट आउट कब होती है? जब गेम क्लोज होते हैं, कंटिन्यू चलती रहती है ड्यूरिंग द गेम्स। ओके, सो स्टूडेंट सी द वीडियो कम्प्लीट एंड अकॉर्डिंग टू वीडियो यू हैव टू prepare some question on Olympic Games, like when Olympic Game was started, who was the developer of modern Olympic Games, okay, number of rings in Olympic Games, and write in your notebook. Good morning students, I am Rita Sharma, welcome you in chemistry classes from MLP group of schools. बच्चों, आज हम इस सेशन में, इस लेक्चर में 9th क्लास केमिस्ट्री से कुछ कॉम्पिटिटिव MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट गाइस। नाउ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है। ऑन केल्विन स्केल 0 degree Celsius इज इक्वल टू, तो बेटा केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन होता है। केल्विन इज इक्वल टू 0 degree Celsius प्लस 273। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह 0 पुट अप करेंगे, 0 प्लस 273। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 273, that is A. Now second question देखिएगा बेटा, liquid have
तो बेटा लिक्विड की वॉल्यूम और शेप के बारे में पूछ रहा है। मैटर की तीन स्टेट हमने पढ़ी है, उसमें से लिक्विड मैटर की एक स्टेट है जिसकी वॉल्यूम फिक्स होती है, शेप फिक्स नहीं होती है। तो इसका जो सी ऑप्शन है क्वेश्चन का, फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप, क्योंकि लिक्विड को जिस कंटेनर में आप डालेंगे उसी की शेप लिक्विड ऑक्यूपाई कर लेगा। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी, दैट इज फिक्स वॉल्यूम एंड नो फिक्स शेप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ड्राई आइस मेल्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बेटा ड्राई आइस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसका टेम्परेचर कम करके उस पर प्रेशर इंक्रीज करके उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते, तो ड्राई आइस होती है बच्चों सॉलिड CO2, therefore आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर फोर देखिएगा, मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड, जो मटेरियल लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा है। तो बेटा जो लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट तो रूम टेम्परेचर से ऊपर होगा, अबव द रूम टेम्परेचर, क्योंकि अगर रूम टेम्परेचर से नीचे हुआ तो लिक्विड बॉइल करता रहेगा, और उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होगा, क्योंकि अगर अबव हुआ तो वो फिर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बॉइलिंग पॉइंट अबव रूम टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट बिलो रूम टेम्परेचर, दैट इज सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकंपनीड बाय कूलिंग, कौन सा प्रोसेस कूलिंग करता है। तो बेटा वेपराइजेशन के लिए तो हीट की जरूरत होती है, सप्लाई करते हम, और इवेपरेशन जो होता है वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, और इसमें जब भी इवेपरेशन होता है तो कूलिंग प्रोसेस होता है। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी बी, दैट इज इवेपरेशन, इवेपरेशन से हमेशा कूलिंग होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन, तो बेटा मैटर की सॉलिड लिक्विड और गैसियस और प्लाज्मा पार्टिकल सब स्टेट में से सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल के बीच में। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ए, दैट इज सॉलिड। नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा बेटो, व्हेन वी एड शुगर इन वाटर पार्टिकल्स ऑफ शुगर डिसअपीयर बिकॉज, जब हम शुगर को वाटर में ऐड करते हैं तो शुगर के पार्टिकल डिसअपियर हो जाते हैं, क्यों। इस प्रॉपर्टी को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और दूसरी मैटर उस स्पेस में चली जाती है, तो जो शुगर की जो पार्टिकल है वो वाटर के पार्टिकल के स्पेस में चले जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी, गेट इनटू स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन स्मॉल पार्टिकल ऑफ पोटासियम परमैंगनेट मे कंटेन्स, बेटा पोटासियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है, पर्पल कलर के इसके क्रिस्टल होते हैं, और बच्चों पोटासियम परमैंगनेट के एक क्रिस्टल में, छोटे से क्रिस्टल जैसे शुगर का क्रिस्टल होता है ऐसे ही KMnO4 के क्रिस्टल में कितने पार्टिकल होते हैं, बेटा मोर देन 10^6। देयरफॉर आंसर विल बी डी, दैट इज डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये बात तो ठीक है क्योंकि आइस वाटर पे फ्लोट करती है तो आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। दूसरा, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल टू सेल्सियस, केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है, सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन टेम्परेचर, ये बात भी ठीक है, केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं 273। नेक्स्ट देखिए, टू कन्वर्ट अ टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, एड 273 टू गिवन टेम्परेचर, ये बात भी ठीक है, फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डी ऑप्शन देखिएगा, वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड कॉज कूलिंग, वेपराइजेशन से कूलिंग नहीं होती, देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल नॉट एग्जिस्ट डिफ्यूजन, किसमें डिफ्यूजन नहीं होता, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्स हो जाना, होमोजीनियस मिक्सचर बना लेना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तो इंटरमिक्स हो जाती है, ऑक्सीजन और वाटर ये भी इंटरमिक्स हो जाता है, सैंड और सोल्ट आपने देखा हो, सैंड और सोल्ट कभी मिलते थोड़ी, होमोजीनियस बनता ही नहीं, तो इसका आंसर होगा बेटा सी, दैट इज सोल्ट एंड सैंड, देयरफॉर आंसर विल बी सी, दैट इज सॉल्ट एंड सैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस बिकम्स लिक्विड इजिली ऑन हीटिंग, हीट करने से कौन सा लिक्विड बन जाता है। तो बेटा बटर आपने सबने देखा, मक्खन सबके घर में होता है, मक्खन को जब हीट करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीट करने से लिक्विड में, बच्चों ये एक्टिविटी तो सबने देखी होगी, बटर को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, देयरफॉर आंसर विल बी ए।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? तो बच्चों वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट में तो वेपर बनते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट? नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट में तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो क्या कहलाता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट। देयरफॉर आंसर विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन की प्रॉपर्टी नहीं है? फ्लूडिटी, फ्लो तो करते हैं लिक्विड, फ्लूइड होते हैं। डेफिनेट शेप? डेफिनेट शेप तो नहीं होती लिक्विड की, जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर की शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं। वॉल्यूम? सी, डेफिनेट होती है वॉल्यूम भी। कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो बच्चों इसका आंसर होगा बी, दैट इज डेफिनेट शेप नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी इज अवेलेबल इन स्मॉल सिलेंडर ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ। काफ़ी सारी वॉल्यूम वाली सीएनजी गैस हमें छोटे से सिलेंडर में मिल जाती है। तो बेटा ये हाईली कंप्रेसिबल है, इसको कंप्रेस करके इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज कर लेते हैं, स्मॉल एरिया में ही ये आ जाती है। तो इसका आंसर होगा हाई कंप्रेसिबिलिटी, देयरफॉर आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर इज हाई। तो आपको पता है बेटा सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड लिक्विड और गैस में से सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है बच्चों? गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, गैसेस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हो। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टेट ऑफ मैटर विच हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। मैटर की वो स्टेट जिसकी वॉल्यूम और शेप डेफिनेट नहीं होती है। तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैसेस की हम स्टडी कर चुके हैं। सबसे जो जिस मैटर की स्टेट की ना तो वॉल्यूम डेफिनेट है ना शेप डेफिनेट है, वो कौन सी होती है बच्चा? गैसेस होती है। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सी। आई होप गाइस कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, अ वेरी प्लीजेंट मॉर्निंग टू यू ऑल। आई एम नीता मैम, योर टीचर टीचिंग इन एमएलपी स्कूल राजपुरम। वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, एज यू नो दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस फॉर योर वेल प्रिपरेशन ऑफ योर लाइफ। स्टूडेंट, एज यू नो दैट राइटिंग प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन अ पर्सनस लाइफ, बिकॉज स्टूडेंट इफ एनी पर्सन वॉन्ट्स टू become a teacher, he must have a good writing. You know, aap log sochenge why I am giving this example to become a teacher, because I am also a teacher. So and a teacher play a very important role in a person's life, you know very well about this. So I think everyone must have a good handwriting, because it upgrade you, your personality also. So student, we will start from our today's thought. And for today, our thought is, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. Student, the thought means that if you have a knowledge, then no one can take it from you. See student, if you having a money or if you having a chocolate, everyone can, please can you share it with me? Then you have to say, yes, whether आपका मन हो या नहीं, it doesn't affect, but you must to do that, okay? But if you are having a knowledge, no one can take it from you. Suppose that if you are having a lot of gold in your house, and a thief came, he take away all these gold. But if you are having a lot and lot of knowledge, then no one can take it from you, because knowledge is not a thing that you place it in your locker or somewhere else. It is a thing only that you have to keep with yourself. Student, now we will start our cursive writing. So student, let's start our today's cursive writing work. We have to write, student, senses are the primary means. Senses are the primary means to receive knowledge. To receive, receive, receive knowledge, knowledge, receive knowledge,
put a full stop. This knowledge is known as empirical knowledge. Empirical, PIRICAL, empirical knowledge, KNOWLEDGE. Put a full stop, student. Now you have to make capital letter it. It leads to formation, FORMATION, formation of impressions, comma, perceptions, PERCEPTIONS, perceptions and sensory awareness, awareness, NESS, awareness. Put a full stop, student. From next line we will start that rational knowledge, RATIONAL, rational knowledge, KNOWLEDGE, rational knowledge is the higher, HIGHER, higher level than, that of sensory knowledge, SENSORY, sensory knowledge, KNOWLEDGE, knowledge. Put a full stop, student. From next line you have to make the capital letter and we have to write here mind is the center, here mind, 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 IS is the center, CENTRE, center. Put a full stop, student. Here rational thinking, here rational, RATIONAL, rational thinking, THINKING, thinking and reasoning, AND, and RESONING, reasoning are the means of, are the means of acquiring knowledge, acquiring, AQIRING, acquiring knowledge. Okay, student, put a full stop now. Through this we have completed our today's writing work. Student, this paragraph is related to the educational topic, so I have not tell you a lot about that. Okay, student, this is our writing work that you have to do it in your fair notebook. Through this I end up my class. Goodbye. Hello student, a very warm and pleasant good morning to you all. I hope you are better at your home and you do your study continuity. In July month, we are providing you to education according to the competitive exam. So student, you have to prepare for competitive exam. See the video. According to the video, you have to write and learn all the topics. That topics help you to crack the competitive exam. Okay, let's start our topic. Student, in this video, I will tell you how to write text in a shape. So student, first you have to select any shape, draw a shape like that by clicking left click on mouse, draw a shape. Okay, now you can fill any background color in the box. After that, click the right click on mouse. By right click you can see many sub options in the box. You can select anyone from them. Right click
then click on add text. Here you see add text, click on add text, then type your text. For example, you type Priya. Now you can write any other text on the box. You know, here is your text size is very small. You can change by clicking home menu bar, select the size, you can increase the size. Okay. So student, that is the process of how to add text in a boxes of shapes anyone. Okay. By clicking on clip art or pictures, you can add picture in that box. Okay students. Now next step is to how to move that box or that picture in the page. Here see, click on page layout, then click on text wrapping and click on throw. By click on throw, you can move that picture anywhere on the screen. Here in that picture you can see, by clicking on throw, you can move picture anywhere on the screen. Okay. Now next interesting thing is, click on insert and click on word art. You can write your text in the following design. You can select any one design from here and type your text here. For example, I type Priya. Then click on OK. Here you see your text is in multicolor. Okay. So student, you have to practice all these functions in your computer or laptop system. Okay. First is how to draw a box and add text in that box. Next one is how to write a designing or multicolors language on the screen. Next one is how to move a picture on the screen. And last one is how to add picture on a box. Okay. Thank you. Have a nice day. Good morning students. How are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your study very well. As you know, we are prepare you guys for competitive exams. Our main motive is to provide you quality education. So in that direction, I am Shuyada. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. And today's our topic is analogy. Analogy means a relationship between something or someone. Something means non-living things and someone is living thing, like human, animals, etc. So there is a relationship between one pair of words, numbers, or etc. And we have to find a pattern for this pair, and for the unknown pair, we use this pattern to calculate that pattern. So students, let's start with our analogy topic. Analogy means a correspondence, a relationship between something or someone. Relationship between something, something is non-living things and someone is living things, like humans, animals, and etc. So in these questions, a group of two pairs is given. Here we can see that group of two pair, two words is given, and we have to establish a relationship between them. We have to establish a relationship between them and then use this relationship to answer the question based on this relationship. Like we can make a pattern from these two pairs and apply that pattern on these patterns. Okay. So here we are given BD, GK, and PT, YF. B is at the place of 2, D is at the place of 4, G is at the place of 7, and K is at the place of 11. Sorry. Okay. Now P is at the place of 16, T is at the place of 20, Y is at the place of 25, and F is at the place of 6. Now here we can see that 2
2 will change to 16, that means plus 14. 4 is changed to 20, that means plus 16. 7 is changed to 7 is changed to y, that means plus 18. So here that will be, first one is plus 14, second one is plus 16, third one is plus 18, and last one is 6. Okay, so now 6 will goes to up according to pattern. Now next term is plus 20. 11 plus 20 is 1 and 31. Okay, like in we know that in alphabet only 26 letters are there. So after Z 26, we can count A is at 27, B is at the place of 28, C is at the place of 29, D is at the place of 30, and E is at the place of 31. So that will goes to plus 20, because here we can see that, okay, K will be at the place of, so here we are given E. So 5, so we have to add 20, so that will goes to 31. Okay, now we can make a pattern from this. So here we are 20, 20 will add 14, so 20 add 14, that will be 34, and 34 will goes to E. F is at the place of 32, G is at the place of 33, and H will be at the place of 34. So H, here we can see that these all three options are have H, and this will, so this will be neglected. Now next is V. V is at the place of 22. 22 plus, now we have to add 16, so 22 add, this will be 38. 38 is the place of L, so here we are given L, L and L. Okay, now next is 25. 25 plus 18, 25 plus 18 is 3 and 4, 43, and 43 will be at the place of O. Okay, now C is at the place of 3. Here we can see that plus 20, so 3 plus 20 is 23, and 23 is the place of W, so that will be the correct answer. So now next is L, M, N, Q, P, O, and O, P, Q. So L is at the place of 12, M is at the place of 13, and that will be at the place of 14. Q is at the place of 17, 16th and 15th. So that will goes to, O is at the place of 15, P is at the place of 16, and Q is at the place of 17. So here we can see that O is at, we can see that for Q we have L, for P we have M, and for O we have N. So O, for O we have N, so here N, then for P we have M, so M, M, and L. So that is the correct answer. Second is the B answer. Now scientist laboratory. Scientists will do experiment in laboratory, and astronomers will research their stars, something like that, in their observatory. Okay. Battlefield is Yudh Ka Maidan. Hospital is used for doctors. Garage is used for to park cars. Now next question is 56, 72, 90 and this. So we have to make a pattern of 56 is, we can say that 8 multiply, 7 multiply with 8. 72 is equals to 8 multiply with 9, and 90 is equals to what is 9 multiply with 10. So here we are, 7 multiply 8, 8 multiply 9, 9 multiply 10. So fourth pair is 10 multiply 11. So that will be 110. Okay. Now we are given 8 is to 1 and this. So if we want to say that key, there is a difference of 1. But if we want, there is a difference of 1, but 24 is not an option. So we know that 8 is equals to 2 to power 3. And 9 will be 3 to power 2. So we can say that here for this pair we have 2 to 3. And for this we change the base and the power. Here 2 is at the base, but we change it to power, and 3 is at the power. So we change it at the base. So 25 is equals to 5 is to 2.
So we have to change. So 2 is at the place of base and 5 is at the place of this. So 32. So answer will be 32. Now numericals, mathematics, and for what we have English. Now numericals, mathematics. So in mathematics we have numerical types questions. So in English we have comprehension type questions. Because we are considered questions, synonyms are some words, letters, obviously some words, alphabet. We cannot say that alphabet wise question in English, letter wise questions in English, and synonym wise questions in English. But comprehension wise questions in English we have in it. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. Good morning, dear students. I am Hirlal sir from MLP International School, Rajpura. And now, in this video, we are doing our present continuous tense. In the previous video, we have discussed the rules of present indefinite tense. And we also know that continuous tense is also known by progressive tense. In this tense, the work is going at the speaking time. And I have given you some homework, three sentences you should change into negative and interrogative. And now in this video, we are going to discuss the uses of present indefinite tense. Let us start. The rule number first is, it is used for an action going on at the time of speaking. इसमें बताया गया बेटा कि present continuous tense का use हम ऐसे कार्य के लिए करते हैं यानी जो बोलते वक्त चल रहा होता है. Suppose कीजिए जैसे मैं अभी आपको ये rule समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो यही यूज हमें बताया गया है. एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है, मुकेश इज कमिंग नाउ, यानी मुकेश अब आ रहा है. दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं. गहराई में देखिए और सोचिए, दे आर प्लेइंग यानी वे खेल रहे हैं. तो जिस वक्त हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त वो खेलने का कार्य जारी है, यानी दैट एक्शन इज गोइंग. बिने इज प्लेइंग क्रिकेट, बिने जो है वो क्रिकेट खेल रहा है. ओके, तो ये रूल आपकी समझ में आ गया बेटा. इसमें यही बताया गया है कि ऐसा कार्य जो बोलते वक्त चल रहा होता है. इसमें एक नोट भी मैंने आपके लिए डाला है, नोट में देखिए क्या बताया गया है. यहां पर हमारे पास कुछ बेटा वर्ड्स हैं. अगर वाक्य में अगर हमें दिखाई दे, जैसे हमारे पास है नाउ, हमारे पास है एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, दिस मंथ, लाइक दिस, यानी दिस अगर इस तरह से लगा हुआ हो तो हम वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल हमारे पास है मिस्टर झा, जे एच ए है, मिस्टर झा इज टीचिंग मैथ्स एट प्रेजेंट. तो यहां एट प्रेजेंट को देखते हुए यानी हमने यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया. एग्जाम्पल हमारे पास सेकंड है, दे आर वॉशिंग द प्लेट्स दिस मॉर्निंग. तो दिस मॉर्निंग हमें बताता है कि भाई हमें कंटिन्यूअस फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए. ठीक है, रूल नंबर सेकंड हमारे पास है, इट इज यूज फॉर टेम्परेरी एक्शन. इसमें हमें बताया गया है बेटा कि इसका प्रयोग हम अस्थाई, यानी कोई भी एक्शन जो चल रहा है, इट्स नॉट ए परमानेंट बट इट्स ए टेम्परेरी, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन ए रेंटेड हाउस, यानी मैं अब एक
किराए के मकान में रह रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि भाई वो हमेशा ही किराए के मकान में रहेगा। वो अपना कभी खुद का मकान भी बना सकता है। सेकंड हमारे पास है, ही इज रीडिंग द महाभारत, यानी अब वो महाभारत पढ़ रहा है। तो ये जो एक्शन जो हो रहे हैं ये टेम्प्रेरी एक्शंस है। तो इस पॉइंट को, इन ऐसे पॉइंटों को हम इस पॉइंट में डाल सकते हैं। सेकंड थर्ड हमारे पास है, इंपॉर्टेंट है ये थर्ड हमारे पास, बताया गया इट इज यूज फॉर एन एक्शन नियरेस्ट फ्यूचर और द फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लान। मतलब इसका ये हो गया बेटा कि इस टेंस का प्रयोग हम या तो नजदीक भविष्य के अंदर हमारी कोई एक हमने प्रोग्राम बना रखा है या हमने कोई योजना बना रखी है। तो जैसे आने वाले वक्त में हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले योजना बना ले, तो हम इस टेंस का भी प्रयोग उसके लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाने का प्रयास किया, ही इज गोइंग टू चेन्नई टू नाइट, यानी हम उससे पूछो भाई आज रात तू क्या कर रहा है, तो वो कह रहा है भाई आज रात मैं चेन्नई जा रहा हूं। हम कहेंगे भाई कल क्या कर रहा है, बोलो जी कल तो मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो ये हमारी नियरेस्ट प्लान है या हमारा फिक्स्ड प्रोग्राम है। ऐसे जो एक्शन जो होते हैं जिनके लिए हम फिक्स्ड प्रोग्राम बना लेते हैं, एट द टाइम वी शुड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड इट इज द बेस्ट फॉर अस। आई एम लीविंग फॉर पटना नेक्स्ट मंथ। हम कहते भाई अगले अगले सप्ताह क्या कर रहा है, बोले भाई अगले सप्ताह तो मैं पटना जा रहा हूं। तो ये हमारी फिक्स्ड प्रोग्राम होते हैं या हमारी प्लानिंग में होते हैं। तो फिक्स्ड प्रोग्राम और प्लानिंग दोनों के लिए हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सी इज गोइंग होम टुमारो, यानी कल वो घर जा रहा है। इसमें एक नोट हमारे पास है बेटा, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, जैसे हम लिखे टू नाइट हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट नाइट हो गया, यानी नेक्स्ट से संबंधित सब इसी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। रूल नंबर फोर हमारे पास है, इट इज यूज फॉर इंटेंशन और लाइकलीहुड। इंटेंशन कम नहीं होते बेटा इरादा, और लाइकलीहुड हमारे पास होती है संभावना। दोनों एग्जाम्पल मैंने इनको समझाने का प्रयास किया है। देखिए, आई एम गोइंग टू सी माई फादर इन लॉ, ये हमारे पास हो गया इंटेंशन यानी इरादा, मैं अपने फादर इन लॉ से मिलने जा रहा हूं। तो जाने का उद्देश्य क्या हो गया, फादर इन लॉ से मिलना। इसका प्रयोग इस रूप में भी हो सकता है। दूसरा में बताया गया ही इज गोइंग टू डाई, ये लाइकलीहुड है यानी संभावना है, यानी क्या हो गया भाई वो मरना चाहता है। तो इस फॉर्म में भी हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नोट हमने डाला है इसमें, सम वर्ब्स विच कांट यूज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बेटा कुछ हमारे पास वर्ब्स है जिनका हम प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। कौन कौन सी है, सी, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, अपीयर, सीम, लुक, लव, हेट, अबोर, डस्पीज, लाइक, डिसलाइक, वांट, विश, प्लीज, ईटीसी। और काफी हमारे पास ऐसी वर्ब्स हैं जिनके हम कंटिन्यूअस फॉर्म में प्रयोग नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाता हूं किस तरह ये गलत हो जाती है। सी इज नोइंग हिम वेरी वेल, ये क्रॉस लगा दिया हमने भाई, यानी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हमने इसको प्रयोग किया तो ये सेंटेंस हमारा बेटा गलत हो जाएगा। ओके इसका सही आंसर हमारे पास होगा सी नोज हिम वेरी वेल, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का हम यहां पर प्रयोग करेंगे। फील को हमने उठाया है, आई एम फीलिंग दैट यू आर राइट, ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट बनेगा, आई फील दैट यू आर राइट। ओके अभी आप इस वीडियो के अंदर हमने बेटे फोर यूज किए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के,
कल मैं आप लोगों को कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनेट दोनों की कुछ एक्सरसाइज दूंगा काम करने के लिए, फिर आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा कौन कौन सा यूज इसमें हो रहा है। वीडियो को दो बार कम से कम आप देखिए और वीडियो को बेटा लाइक जरूर कीजिए। ओके, तो आई होप दैट यू विल बी फाइन एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर एट योर वर्क। यूज दीज सेंटेंसेज डेली इन योर रूटीन लाइफ। बेटे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनेट और कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस दूंगा जो आपने बनाने हैं, उसमें वर्ब्स फिलअप करनी है। तो मैं सोचता हूं शायद आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोना यादव इन फ्रंट ऑफ यू। सो वेलकम टू आवर स्पेशल क्लासेस। As you all know, we are committed to improve your skills. Everyone must have an aim in his life. If you study without any goals, then it is like walk in dark. Our chairman sir, director sir, always give good guidance to the students to fix their aim according to their interest. So MLP school always give right direction to the students to achieve their aim. So let's continue with us. And let's start today's classes. So students, this video is all about our country India, including states and capitals. In our previous video, we have filled all the states with their capital in the political map of India. Today we will write all the states in an alphabetical order for your better understanding. So you have to learn all these states with their capitals and you have to write all these states with capitals in your notebook. So let's start. So as you all know, India is the largest democratic country in the world. It got independence on 15 August 1947. So there are 28 states and 8 union territories in India. Then alphabetical order ke according, first is Andhra Pradesh, capital Amravati, Arunachal Pradesh, Itanagar, Assam, Dispur. Means from A letter, there are three states, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh and Assam. Second, B. From B, there is one state, Bihar, capital is Patna. Third, from C letter, Chhattisgarh state and capital is Raipur. Next one is from G letter, Goa, capital is Panaji. Next, Gujarat. Capital is Gandhinagar. Means from G letter there are two states. Next from H letter also there are two states. Haryana, capital is Chandigarh. Himachal Pradesh, capital of Himachal Pradesh is Shimla. Next, number 10. From J letter there is one state, Jharkhand, and capital is Ranchi. Next, from K letter there are two states, Karnataka, capital is Bengaluru. Next one is Kerala, capital is Thiruvananthapuram. Kerala, capital is Thiruvananthapuram. From M letter, there are five states, Madhya Pradesh, capital is Bhopal. Maharashtra, capital is Mumbai. Manipur, capital is Imphal. Meghalaya, capital is Shillong. Next one is Mizoram, capital is Aizawl. So there are five states from M letter. Next one is Nagaland. Means from N, there is one state, Nagaland, capital is Kohima. Next, from O, there is one state, Odisha, capital is Bhubaneswar. Next one is Punjab. Capital is Chandigarh. Means from P, there is one state, Punjab. Next, from R, there is also a single state, Rajasthan. Capital is Jaipur. Next, from S, one state, Sikkim. Capital is Gangtok. Next, from T, there are two states, Tamil Nadu. Capital is Chennai. Next is Tripura. Capital is Agartala. Next,
from you. There are two states. First is Uttar Pradesh, capital is Lucknow, and second is Uttarakhand, capital is Dehradun. From W, there is one state, West Bengal, capital is Kolkata. Next one is from T, Telangana, capital is Hyderabad. Now we will learn a short trick to learn all states with alphabetical order. So, from A and T, there are three states from these letters. From A, there are three states, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh and Assam. From T, also there are three states, Telangana, Tripura and Tamil Nadu. Okay, students, so you have to learn easily to this trick. Next, B, R, C, S, N, O, J, 1. Okay, you have to learn this trick to better understanding, to better learning. This is a short trick to learn all the states. B, R, C, S, B means from B letter, there is single state. From R letter, there is single state. From C letter, there is single state. And from S letter, N letter, O and J, there is a single state also. Okay, so you have to learn like this. B, R, C, S, N, O, J, 1. Okay, A, T, 3, B, R, C, S, N, O, J, 1. From B, Bihar, R, Rajasthan, C, Chhattisgarh, S, Sikkim, N, Nagaland, O, Odisha, J, Jharkhand. Okay, so from all these letters, there is one single state only. So you have to learn like this. From AT there are three, and from these letters there is single state. From M there are five states, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram and Madhya Pradesh. Next, UKG HP 2. UKG HP 2. U, Uttarakhand, Uttar Pradesh, means from these letters there are two states from each letter. Okay, so from U, Uttarakhand and Uttar Pradesh. From K, Kerala and Karnataka. From G, Goa and Gujarat. From H, Haryana and Himachal Pradesh. From P, Punjab and Paschim Bengal. So here West Bengal is called also Paschim Bengal. So you have to learn like this. UKG HP 2. Here P is mentioned to Paschim Bengal, means to West Bengal. Okay. So this is a short trick to learn all the states. And I hope you have to learn this trick. AT 3, BRCS and OJ 1, M 5, UKG HP 2. Okay. Thank you, students.